न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। 2023 के चुनाव में एनआर क्षेत्र के लिए एसडीपीआई ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। एसडीपीआई के राज्य अध्यक्ष अब्दुल मजीद नरसिम राजा क्षेत्र से चुनाव में भाग लेंगे। 8 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे एसडीपीआई के राज्य अध्यक्ष अब्दुल मजीद को सेंट फिलोमिना सर्कल में रैली के जरिए से होगा शानदार स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस लिहाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब आज बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नाटका में एसडीपीए जो कंटेस्ट करने वाली है उसकी पहली लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है, जिसमें एनआर क्षेत्र के कैंडिडेट हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और जनाब अब्दुल मजीद साहब का नाम डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है। ये खुशखबरी मैं तमाम एनआर हलके के लोगों को देना चाहता हूँ। और कल बरोज़ इतवार 8 तारीख को मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद साहब मैसूर को आने वाले हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट भी करने वाले हैं। उनका हम जो है इस्तकबाल चर्च सर्कल में करने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कसीर से कसीर तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें और आपके होने वाले एमएलए और कैंडिडेट का इस्तकबाल पुरजोर इस्तकबाल करें। कितने बजे से? कल 2:30 बजे चर्च सर्कल में। वहाँ से कहाँ जाएगी सर रैली? वहाँ से एनआर मोहल्ला उदयगिरी राजीव नगर होते हुए कल्याणगिरी शांति नगर होते हुए और हमारे पार्टी ऑफिस में कंक्लूड होगी। क्या बाइक रैली है सर? इसमें बाइक भी होंगे, ऑटो भी होंगे, कार भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हजारों लोग एसडीपीए को चाहने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे सा ज्यादा से ज्यादा मजमा होगा। सर खासकर एनआरएमएलए को एमएलए इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसमें कैंडिडेट बहुत सारे हैं सर, बहुत टफ इलेक्शन है सर, तो इलेक्शंस को लेकर आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? मैं आवाम से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस जेडीएस या मुख्तलिफ पार्टियों को वोट क्यों दें, ये आपको सोचना चाहिए। इतने सालों से आपने उनको वोट दिया लेकिन नतीजा क्या है ये आपके सामने है। और बार बार एक बात आती है कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए जो है कांग्रेस को वोट देना चाहिए, ये हर बार आपके दिमागों में डाला जाता है, आपको गुमराह किया जाता है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को लाना चाहिए। इसका भी आपने नतीजा देख लिया, बीजेपी को रोकने के लिए कर्नाटक में आपने पिछली बार कांग्रेस और जनता दल को मौका दिया था, लेकिन क्या हुआ, 6-8 महीने में उनकी गवर्नमेंट गिर गई। बहुत ही आसानी से बीजेपी वाले कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए को खरीद लिए। मध्य प्रदेश में लगभग 25 साल के बाद वहाँ की आवाम ने बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को मौका दिया था। वहाँ तो कोइलेशन गवर्नमेंट भी नहीं थी, सॉलिड कांग्रेस गवर्नमेंट थी भरपूर, वहाँ भी 28 एमएलए को खरीद लिया गया। वैसे महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के हिंदुस्तान के हर रियासत में ऑपरेशन कमल कर जो है बहुत ही आसानी से बीजेपी के लोग कांग्रेस और जेडीएस को खरीद लेते हैं, तो उनको वोट देने से कोई मतलब नहीं है। अब अगर इस मुल्क में और हमारे रियासत में हमारे शहरों में चैन और अमन और तरक्की और इत्तेहाद मजहबी इत्तेहाद अगर आप सब लाना चाहते हैं तो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर की जरूरत है, वो है एसडीपीआई जो हर हाल में आपकी खिदमत हर लिहाज से हर तरीके से करता रहा है। और अगर कांग्रेस को भी अगर बचाना है एज ए नेशनल पार्टी तो एसडीपीआई के अगर 25-30 एमएलए अगर आप हमें जिता कर भेजेंगे तो इंशाल्लाह कांग्रेस को हम जब अलायंस गवर्नमेंट बनाकर कांग्रेस को सपोर्ट कर गवर्नमेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह 5 साल चलेगी। पिछली मरतबा हम सब इसी हल्के से उम्मीदवार हुए थे, मेरा सवाल ये है कि कई लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे या हर सियासी पार्टी से कि जाना जाए हल्के में क्यों नहीं तरजीह दी जाती, हमेशा हल्के एनआर में क्यों इंतखाब किया जाता है? चामराजा हल्के में हमने पिछली बार भी कैंडिडेट डलाए थे, हमारे कांटेस्ट करे थे शबीर मुस्तफा साहब, ये बार भी हमारे लिस्ट में चामराजा का कांटेस्ट करने का इरादा है। इंशाल्लाह अगर अच्छे कैंडिडेट रहेंगे तो हम जरूर कांटेस्ट करेंगे। अच्छा सर, ये हल्के में समाजवादी से अब्दुल मजीद साहब को इस मरतबा आपके ऐलान कर रहे हैं सर, एसडीपीए को
क्या इस हल्के के हिंदू अवाम वोटिंग के लिए सामने आएंगे, ऐसी कोई उम्मीद है? जरूर, अब आप देख सकते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक मजहब की सीमित पार्टी नहीं है। चाहे एज ए हिंदुस्तानी शहरी को, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, अगर उसे कोई भी परेशानी है तो एसडीपीआई पहली सफ में आकर उसकी मुखालिफत करती है और उसके साथ भी खड़ी होती है, चाहे वो कानूनी जद्दोजहद हो या एहतजाजी जद्दोजहद हो या सियासी जद्दोजहद हो, हर कौम के साथ हम खड़े रहते हैं। कोरोना में भी आपने देखा हमने भरपूर खिदमत निभाई थी, मजहब हमने नहीं देखा था। तो इस लिहाज से दूसरे मजहबों का ये डिमांड था, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, अगर हमारे हिंदू ब्रदर्स ब्रादर हो, उन्होंने एक डिमांड कर अब्दुल मजीद साहब को यहाँ पर कैंडिडेट और एसडीपी को कंटेस्ट करने का डिमांड भी किया है। इंशाल्लाह जरूर दूसरे मजहब वाले भी वोट देंगे और इस बार 100% एसडीपी जीतने वाली है इंशाल्लाह। मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत से बुनियादी जरूरतें, बेसिक कम्युनिटीज भी इस हल्के में नहीं है, जैसे स्कूल और पानी के मसले और यूजीडी के मसले, बेसिक। अगर कांग्रेस में, कांग्रेस को कोई मॉरल राइट्स ही नहीं कि वो इलेक्शन ही कंटेस्ट करे, वोट देने की दूसरी बात, उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मॉरल राइट्स नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूलों की, क्या हमने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, स्कूल्स के टॉयलेट भरकर ओवरफ्लो हो रहे थे और वहाँ के जो जो तलबा हैं उनकी क्या क्या तकलीफें थी आपने देखा था, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। और क्राइम यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो इस हलके के लिए एसडीपीआई ही है जो इसे इंशाल्लाह अच्छे बेहतर हाल को ला सकती है।